समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज नामांकन करने आजमगढ़ पहुंचे। अखिलेश यादव ने कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कोर्ट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी भी मौजूद रहे। नामांकन करने जाने से पहले अखिलेश यादव पत्रकारों से मुखातिब हुए और बोले कि जनता जागरूक हो गई है, इसलिए पहले और दूसरे चरण के चुनाव में वोटों की बारिश हो रही है। इसी तरह से वोटों की बारिश आगे भी होगी। यह बारिश समाजवादी धरती आजमगढ़ पर भी होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आजमगढ़ में सपा बसपा द्वारा किए गए कामों के आधार पर गठबंधन जीतेगा। बीजेपी को बताना पड़ेगा कि उन्होंने देश और प्रदेश में क्या काम किया है। नामांकन करने के बाद अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना हो गए। अखिलेश भैया, हेलो, वो वोटों की बारिश आगे बढ़ रही है और साथ में चरण तक न जाने कितनी वोटों की बारिश होगी। आजमगढ़ से क्या उम्मीद है? आजमगढ़ समाजवादी धरती और यहाँ के लोगों ने खींचने का काम किया है, इसलिए उनके बीच में आए। हमें उम्मीद है कि यहाँ की जनता अच्छे मतदान कर करके अच्छी जीत का आशीर्वाद देगी। अच्छा सर, यहाँ धीरेंद्र लाल निरहुआ को लड़ाया जा रहा है, देखिए स्वाभाविक है, क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी ये तो नहीं छोड़ देगी कि निर्विरोध हो जाए कोई। मुझे उम्मीद है कि साइकिल और बहुजन समाज पार्टी ने दोनों ने मिलकर के काम किया है आजमगढ़ में, और काम और तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आगे ले जाएगी, गठबंधन आगे ले जाएगा। बीजेपी को कम से कम बताना पड़ेगा कि उन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या काम कराए हैं। तो हिसाब किताब 5 साल का नहीं, 7 साल का हिसाब किताब क्या है वो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा।